हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे डेली करंट अफेयर के सेशन में आज एमपी का करंट अफेयर आपके साथ 8 और 9 सितंबर का करंट अफेयर यहाँ पे आपके हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके रहेंगे एमसीक्यू बेस्ड विद आपके डिटेल्ड एंड कुछ क्वेश्चंस आपके रहेंगे वन लाइनर। तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हम दो दिन का एक साथ करंट अफेयर कर रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होने वाला है। तो चलिए आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिन व्यक्तियों के मकान बाढ़ से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें कितने रुपए की यहाँ पे कुल राशि दी जाएगी। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिन व्यक्तियों के मकान बाढ़ से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें आपके 1,32,000 की यहाँ पे राशि आपके दी जाएगी। 1,32,000 यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा आपका। अगला देखिए इसमें डिटेल जो है इसका आपके फर्स्ट क्वेश्चन का कि आरबीसी 6/4 के तहत यहाँ पे 1,00,000 रुपए की राशि, 1,00,000 रुपए की राशि मनरेगा के अंतर्गत और आपके 20,000 मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एंड आपके 1,00,000 रुपए की राशि जो रहेगी आरबीसी 6/4 के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए कुल यहाँ पे 1,32,000 की राशि यहाँ पे प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ ऐसे पशुपालक जिनके बाढ़ से आपके शेड नष्ट हो गए हैं, जिनके पास 5 पशु हैं उन्हें 70,000 रुपए की राशि, जिनके पास 10 पशु हैं उन्हें 1,00,000 रुपए की राशि यहाँ पे आपके दी जाएगी इस योजना के तहत। साथ ही साथ बाढ़ में जो प्रभावित खेत हैं इनके लिए आपके यहाँ पे 3,00,000 आपके 80,000 मनरेगा के तहत दिए जाएंगे जो आपके मेड़ बदान आदि कार्य के लिए। प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्रों के लिए 100 दिन के रोजगार के अलावा यहाँ पे 50 दिन अतिरिक्त रोजगार दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं इनमें 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार आपके दिया जाएगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दी गई है परीक्षा ऐप पे, तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। जहाँ पे आपके लिए कूपन कोड यूज करना है GAUTAM040 और 40% का आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिलने वाला है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश राज्य में जनजाति समूह निवास करते हैं, कितने जनजाति समूह आपके मध्य प्रदेश राज्य में यहाँ पे निवास करते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका 43 इसका करेक्ट आंसर होगा। आदिवासी बहुल मध्य प्रदेश राज्य में आपके 43 जनजाति समूह यहाँ पे निवास करते हैं जो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का आपके 5वां हिस्सा है। एंड 2011 के अनुसार 1,53,00,000 जनजाति वर्ग की आबादी यहाँ पे आपके है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए किस सोसाइटी का यहाँ पे गठन किया गया है। तो आदिवासी वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पे आपके मध्य प्रदेश स्पेशल एंड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसाइटी का यहाँ पे गठन किया गया है आपके आदिवासी वर्ग के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अभी हाल ही में आपके माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। यह नियुक्त किया गया है प्रोफेसर KG सुरेश को। इनकी अवधि होगी 4 वर्ष की अवधि के लिए पदभार संभालेंगे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं KG सुरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्गीय रामजी महाजन स्मृति पुरस्कार पिछड़े वर्ग के उत्थान एवं विकास के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले कितने समाज सेवियों को दिया जाता है। तो यह है आपके 16 समाज सेवियों को यहाँ पे दिया जाता है यह आपके जो उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार, जिसमें कि 8 पुरुष और 8 महिलाएं आपके शामिल होती हैं। इस पुरस्कार में आपके 1,00,000 रुपए की राशि नगद एवं प्रशस्ति पत्र से आपके सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निराकरण की अवधि कितने दिवस की गई है। यह है आपके 15 डे की गई है आपके शिकायतों की दिवस की जो अवधि की गई है आपके जो लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम के खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की सेवाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुसार गौण खनिज खदानों के लीज धारकों को
कितने प्रतिशत रोजगार मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को देना होगा। हाल ही में आपके 7 सितंबर 2020 को यह घोषणा की गई है जिसमें कि 75% आपके जो रोजगार है मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को देना होगा, आपके जो खनिज खदानों के लीज धारकों को, ठीक है। तो यहाँ पे 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री पर जो स्टाम्प ड्यूटी पर आपके 3% के स्थान पर अब कितने परसेंट सेस का यहाँ पे निर्णय लिया है। यह लिया गया है 1% सेस का यहाँ पे निर्णय लिया गया है आपके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नगरीय क्षेत्रों में जो प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी में आपके 2% की छूट सेस में मिलेगी। अभी यह छूट आपके 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगी इसमें। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वर्तमान में खेलों की कितनी उत्कृष्ट अकादमियां यहां पे संचालित हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में खेलों की कितनी उत्कृष्ट अकादमियां संचालित हैं? 18 अकादमियां यहां पे संचालित हैं आपके मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब से कब तक का लगभग 121 करोड़ बस वाहन टैक्स जो है माफ करने की घोषणा की गई है आपके मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2020 तक के 121 करोड़ यहां पे बस वाहन टैक्स जो कि माफ करने की घोषणा की गई है आपके मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह इसके अध्यक्ष हैं आपके मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के 37 लाख से अधिक राशन कार्ड धारियों को कब से राशन मिलना शुरू हो जाएगा? तो यह है आपके 7 सितंबर 2020 से आपके जो राशन मिलना शुरू हो जाएगा मध्य प्रदेश के 37 लाख से अधिक राशन कार्ड धारियों को। अगला क्वेश्चन हमारा, शिक्षक पर्व कब से कब तक मनाया जा रहा है? शिक्षक पर्व जो मनाया जा रहा है आपके 8 से 25 सितंबर 2020 तक शिक्षक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है आपके 8 सितंबर से 25 सितंबर 2020 तक। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वनिधि योजना संवाद के माध्यम से वर्चुअल कार्यक्रम में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ चर्चा कब करेंगे? यह डेट है आपके 9 सितंबर 2020 को चर्चा करेंगे स्टेट वेंडर्स में। अगला क्वेश्चन है कि श्री मोहम्मद साहिद अंसारी और श्री संजय कुमार जैन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। ये दोनों शिक्षक जो हैं किस जिले से संबंधित है आपके? तो ये संबंधित छिदवाड़ा और टीकमगढ़ जिले से यहाँ पे आपकी ये संबंधित हैं शिक्षक। शिक्षक जो श्री मोहम्मद साहिद अंसारी हैं, इनको गणित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खिरसा डोह परासिया छिंदवाड़ा के शिक्षक हैं। और जो संजय कुमार जैन है, ये शासकीय बालिका प्राथमिक शाला जो ढूंढा टीकमगढ़ जिले से यहाँ पे संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आपके 12 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश में कितने आवासों का यहाँ पे सिंगल क्लिक से लोकार्पण किया है? यहाँ पे आपके तो 1.5 लाख आवासों का यहाँ पे सिंगल क्लिक से लोकार्पण करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कौन से वित्त आयोग अनुदान की 996 करोड़ राशि जो कि ग्राम पंचायतों को सिंगल क्लिक से ई ट्रांसफर की है? यह है आपका 15वां वित्त आयोग अनुदान। तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 सितंबर 2020 को जो 15वें वित्त आयोग अनुदान की 996 करोड़ की राशि पंचायतों को सिंगल क्लिक से ई ट्रांसफर की है, 15वें वित्त आयोग अनुदान। इस अवसर पर उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित भी किया है और मंत्रालय से आयोजित इस वर्चुअल संवाद में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, इन्होंने कोरोना काल में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा की गई व्यवस्थाओं और कार्यों के लिए भी उनकी सराहना की है। तो 15वां वित्त आयोग अनुदान है जो ये राशि आपके की गई है सिंगल क्लिक से ई ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश में कितने थानों में महिला डेस्क बनाई जा रही हैं? महिला डेस्क कितने थानों में बनाई जा रही हैं आपके? यह बनाई जा रही हैं 700 थानों में आपके महिला डेस्क बनाई जा रही हैं। देखिए,
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश जो है आपके बरसों से आपके महिला अपराध में अव्वल है, पहला स्थान आता है आपका। इसलिए सरकार ने 1 सितंबर 2020 से बड़ी मुहिम शुरू की है और 700 थानों में महिला डेस्क बनाई जा रही है। महिला थानों को आपके महिला अपराध विशेषज्ञ थानों के रूप में भी आपके तैयार किया जा रहा है। ये जो विशेषज्ञ हैं थाने महिला अपराधों की रोकथाम के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। इसके अलावा 35,000 यहाँ पे आपके वार्ड और पंचायतों में महिला वॉलेंटियर की तैनाती हो रही है, आपके तैनात हो रहे हैं। साथ ही साथ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुरैना और विदिशा जिले का भी चयन किया है। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देखें 2018 में तो बलात्कार की जो यहाँ पे घटनाएं दर्ज की गई हैं ज़्यादा शरा, इनमें से आपके जो कि 5,000 के आसपास आपके एमपी में ये घटनाएं हुई हैं। तो एक तरह से अव्वल रहा है आपके यहाँ पे मध्य प्रदेश जो कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार बरसों से। तो ये अपराध बढ़ रहे हैं, इसीलिए आपके महिला डेस्क जो आपके थानों में आपके महिला डेस्क की जो सुविधा स्टार्ट की गई है, डेस्क बनाई जा रही है, जिससे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको कम किया जाए। तो ये थे आज सभी हमारे 2 दिन के करेंट अफेयर जो कि हमने वन लाइनर में डिस्कस किया, एमसीक्यू में डिस्कस किया, डिटेल डिस्कस किया, जिससे कि थोड़ा सा इस कम समय में आपको सभी हम करेंट अफेयर करा पाएँ। तो ये अभी ये कुछ परेशानियों की वजह से हम डे बाई डे आपके लिए नहीं ला रहे हैं, तो ये हम जल्द आपके लिए डे बाई डे करेंगे। साथ ही साथ अन्य वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो को अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। एंड शेयर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।